अब बताएं जो ये कॉन्क्लेव हो रही है उससे क्या फ़ायदा है बोधगया की होटल इंडस्ट्री को? नहीं, बोधगया होटल इंडस्ट्री के फायदा के लिए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक जहाँ तक हम देख रहे हैं कि बोधगया में सिर्फ मोनेस्ट्री लोग ही बेनिफिट उठा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री को लोग देख ही नहीं रहे हैं और इंडस्ट्री के बारे में कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि मोनेस्ट्री यहाँ पे इतने हैं और सारी मोनेस्ट्री में होटल जैसी सुविधाएं हैं, होटल से अच्छी सुविधाएं हैं, बिना मतलब रॉयल्टी दिए हुए, बिना सरकार को टैक्स दिए हुए, मतलब इतना ज़्यादा मोनेस्ट्री अभी पैसा कमा रही है। और ये जो बुद्धिस्ट समागमन का जो भी सम्मेलन होने वाला है, ये भी एक तरह से ठीक है बोधगया के डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो इनकी स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से लगता है कि ये मोनेस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, जो मोनेस्ट्री होटल की तरह है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ बात होगी, न कि यहाँ के लोकल बोधगया के बिजनेस है, लोकल बोधगया के होटल है या होटलियर के बारे में कुछ सोचा जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता है।